ना जी ना, माफ करो मारे को, लेकिन रहेगी तो यो अकेले ही उस कोठरी में। अरे वैसे आप भी तो कानून की जानकार हो ना, इतनी बड़ी वकील साहिबा हो, तो आपको तो पता ही होगा ना कि डेथ रो वाले कैदी को कस्टोडियल सेग्रीगेशन में रखा जाता है। अब मैडम ज्ञान की गंगा ना बहा देना, यहाँ पे हमारे लोगों की मजबूरियाँ है। वैसे एक बात बताऊँ आपको, ये जो छोरी है ना, ये गार्डों पे हमला कर देती है। अरे चाकू चम्मच छुरी जो मिल जाए हाथ काटने पे आमादा हो जाती, मारने के लिए खुद को गंदी गंदी गालियां भी देती है, माँ की बहन की। लेकिन ये पागलपन हमने नहीं दिया इसे, रेडीमेड पागल होके आई थी। और ये जो सिर्फ कंबल में दिखाई दे रही है ना अभी, यो भी हम लोगों ने नहीं किया। इज्जत से साड़ी दी थी, पहन लो, उस साड़ी का फंदा बना के लटकने चली गई। अब बताओ, ये तो चित भी इसकी, पट भी इसकी। अरे यहाँ मर मरा गई, तुम्हारी तो नौकरी चली जाएगी, इसका क्या जाएगा? तो सब कुछ तो इसी के हाथ में, हमारे हाथ में क्या है? वैसे एक बात और बताऊँ आपको, ये सुसाइडल ऑब्जर्वेशन में भी है। कसम अपने घर की, हमारे घर का, हमारे ये जो स्टाफ है ना, कोई भी आदमी सुबह खाना देने जाता है तो डरता रहता है कि पता नहीं कब दरवाजा खुले और मैडम अपनी नस काटी हुई मिले। ये है कहानी हमारी, बाकी तो आप खुद ही समझदार हो, है ना? जय राम जी।